today's meeting, please. Hi, sir. What about party meeting? Internal party meeting. How to get ourselves strong for the elections? And also, I wanted to explain to my people that the accord should be implemented, and that's a priority. Once we can give something to our people, then the people will have a better future. So, basically, I wanted to meet my party people to discuss for some time. वोग्रा इलेक्शन के लिए भी प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है, और मैंने अब मैं अपने तरफ से भी हर जगह में तिपरा मोथा का फ्लैग, अपना बूथ ऑफिस और कोऑर्डिनेशन से सबके संग बीजेपी के संग भी काम करके हमको ईस्ट और वेस्ट दोनों जीतना है। सुना गया है बातें एकदम गलत बात है, और हम लोगों को दो मिनिस्टर का अभी जगह दिया गया है, और उसके बाद और भी दिया जाएगा। और मुझे आज सवेरे फोन करके बताया गया है कि ADC के लिए भी मैनिफेस्टो में एक बड़ा अनाउंसमेंट है। इसी बातों को लेकर कंफ्यूज है, ऐसे सुना गया है? कंफ्यूज कोई नहीं है, हमारा तिपरा साहब बहुत इंटेलिजेंट है। हमें राइट आदमी को, राइट व्यक्ति को दिल्ली भेजना है जो हमारा अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करे। आज तिपरा साहब को सोल्यूशन चाहिए। आज हमने पहले भी बोला था जब कांग्रेस में था, पुइला जाति उलो पार्टी। आज जाति को एक ऐसा इंसान का दरकार है जो दिल्ली में हमें हमारा अग्रीमेंट को पूरा करे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है उसको पूरा करे। इसके लिए हमने बात किया, और ऐसा लोगों को भेजना चाहिए जो दिल्ली में हमें ब्लॉक ना करे। तो वैसे बिप्लब देव गया, बिप्लब देव इज प्रो तिपरा साहब, और कुमारी मेरा बात सुनेगा, और मैं अपने तिपरा साहब को कभी धोखा नहीं दे सकता। तो इसके लिए मैंने कुमारी का नाम चुना। अगर मैं किसी और का नाम चुनता और वो दिल्ली जाकर बात नहीं करता, तो नुकसान किसका होगा? क्या लगता है तुम्हारा उस कंफ्यूज बातों को कैसे क्लियर करें? देखिए, क्लियर कुछ करने का तरीका था। सब लोग जानते हैं कि ये लोकसभा इलेक्शन के बाद CPM और कांग्रेस के वर्कर कहाँ जाएंगे। त्रिपुरा में सिर्फ खत्म नहीं हो रहे, पूरे इंडिया में खत्म। आज हमारा तिपरा साहब को कौन हेल्प कर सकता है? वही हेल्प कर सकता है जो दिल्ली में। तो मैं उन्हीं से बात करूंगा जो दिल्ली में। और रहा बात CPM का, मैं CPM के अगेंस्ट हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ। CPM ने मेरे फैमिली को बहुत अटैक किया, मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को अटैक किया, मेरे दादा को अटैक किया। मैं हमेशा CPM के खिलाफ रहा, और CPM ने हमारे तिपरा साहब को भी कुछ नहीं। रहा बात कांग्रेस का, मैंने आज तक, आप भी जानते हैं, मैंने आज तक ना राहुल जी के खिलाफ, ना प्रियंका जी के खिलाफ, ना सोनिया जी के खिलाफ एक शब्द बोला। मैं क्यों उनके खिलाफ हूँ? मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है, मैं उनको अच्छे तरीके से मानता हूँ, और मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। ये उनका लड़ाई है किसी और के साथ, लेकिन मैं अपना तिपरा साहब का सोल्यूशन चाहता हूँ, और जो दिल्ली में है मैं उनसे बात करूँगा। बस सिंपल बात है।